सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। एक गाड़ी हवा से बातें करती हुई लोनावला की घुमावदार सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और अंदर बैठे चारों नौजवानों अक्षय, रवि, आयशा और आदि ने अपने हाथ में एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने शराब मिला रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए अचानक ही अक्षय ने गाड़ी में ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने के कारण चारों को एक जोरदार झटका लगा और जैसे शराब का नशा एक झटके में चूर हो गया। घबराते हुए रवि, आदि और आयशा गाड़ी से बाहर निकल आए। क्या हुआ अक्षय, इतने जोर से ब्रेक क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? लगता है डिक्की खुली रह गई है। जा दी, तू चेक कर गया? कुछ नहीं हुआ बे, बस वैसे ही मजे ले रहा था। इसका बर्थडे है, इसे परेशान करना तो बनता है ना। तुम्हें अगर ज्यादा मस्ती सूझ रही है तो हटो, मैं ड्राइव करती हूँ। गाइस, मुझे लगता है अक्षय पीकर आउट हो चुका है। ए आयशा, चुप करके बैठना पीछे, बोला ना तुझे मजाक कर रहा था। आदि आ जाना यार, कुछ नहीं है डिक्की में, बैठ जल्दी। आयशा के बुलाने पर आदि भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अक्षय वापस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। यार, 100 की स्पीड में भागती गाड़ी में तूने ब्रेक लगा दिया। अगर गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती तो अभी इन वादियों में भूत बनकर घूमते अपन लोग। हैं यार प्लीज, ऐसा करो किसी लॉज पर गाड़ी रोक दो, हम लोग सुबह निकलेंगे। अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, तुम सबको चढ़ गई है, अपने होश में नहीं हो तुम लोग। इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाना सही नहीं है और तुम लोग अभी इस हाईवे के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो। यार तेरा ही बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तू सारा मजा मत खराब कर। अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है इस हाईवे में? यार मैंने बोला ना, ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि आगे पहाड़ी पर अक्सर रात में एक्सीडेंट होते हैं। क्या बकवास है ये, एक्सीडेंट किस रोड पर नहीं होते हैं? इसमें क्या नई बात है? होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और होती है। बस तू यू टर्न लो और पीछे चलो। अब तो तूने चैलेंज कर दिया भाई को, अब गाड़ी नहीं रुकने वाली। आदि के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी अक्षय ने फिर से गाड़ी का गियर बढ़ाया और एक बार फिर से उनकी गाड़ी हवा से बातें करने। आदि की बातें भूलकर बाकी के दोस्त भी अंग्रेजी गाने की धुन पर आंख बंद करके थिरक रहे थे, लेकिन आदि अभी भी अक्षय के साथ आगे की सीट पर थोड़ा सिकुड़ा सहमासा बैठा हुआ था। रात का सन्नाटा हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा था। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। पीछे की सीट पर बैठे बैठे रवि अब झपकियां लेने लगा था। तभी एक बार फिर से अक्षय ने जोरदार ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी जाकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार? अब तुम चुपचाप ड्राइविंग सीट से उतरो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार कोई मजाक नहीं है, मेरी गाड़ी के सामने अभी अभी ना जाने कहां से एक लड़की आ गई थी। अच्छा, तो अब कहां गई वो लड़की? मुझे तो यहां कोई लड़की नजर नहीं आ रही। मेरा यकीन करो आयशा, गाड़ी के सामने एक लड़की थी, उसे देखकर ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर इस पेड़ से जा टकराई। ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई लड़की क्यों घूमेगी? और अगर तुम्हारी बात मान भी ले कि यहाँ कोई लड़की थी, तो अब वो लड़की कहाँ है? आदि, तुम तो अक्षय के साथ ही बैठे थे ना, तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी? मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दी, पता नहीं अक्षय क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? समझ लो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है अभी। आदि, आयशा और अक्षय गाड़ी से नीचे उतर कर बातें कर रहे थे और रवि सब कुछ अनसुना करके चैन की नींद सो रहा था। इसे देखो, अभी गाड़ी खाई में गिर जाती तो ये सोते सोते कुंभकर्ण ऊपर पहुंच जाता, इसीलिए बोलती हूँ लिमिट में पिया करो। अब तू सही कह रही है, शायद मुझे चढ़ गई है, मैं पीछे बैठता हूँ, अब तू ड्राइव कर ले। ना बाबा ना, अब तो मेरी आंखें नींद से भरी हो रही हैं, तू ही चला गाड़ी, लेकिन अब ध्यान से चलाना। अक्षय एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आयशा पीछे बैठकर झपकियां लेने लगी। कुछ देर बाद, यार आदि, मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहा है यहाँ, वही पेड़ वही पहाड़, मुझे सच में चढ़ गई है क्या यार? तू एक बार लोकेशन चेक करना। भाई पहाड़ एक जैसे ही होते हैं, इसमें क्या अलग होगा? आदि अपना मोबाइल निकालता है लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। यार मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तभी अक्षय को गाड़ी की लाइट्स में
सामने एक आदिवासी पहनावे वाली लड़की दिखाई देती है। लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है, अगर अब मैंने ब्रेक लगाया तो ये सब मिलकर मुझे ही पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। अक्षय लड़की की ओर गाड़ी बढ़ाने लगता है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सामने कोई लड़की है, उसे गाड़ी से उड़ा ही देगा क्या? आदि की बात सुनकर अक्षय लड़की से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोक देता है। अक्षय अचानक ये लड़की कहां से आ टपकी? चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाहर मत निकलना। अरे यार बहुत घबराई हुई लग रही है और रात भी हो रही है, देखने तो देख क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ ना ये रास्ता सही नहीं है यार, यहाँ पर अक्सर लोगों को छलावा लग जाता है। तो फिर शुरू हो गया। तभी वो लड़की दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। मुझे भूलनपुर तक छोड़ दो साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बात है, डरी हुई क्यों लग रही हो? साहब वो लोग मेरे पीछे लगे हैं, आप बस जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लड़की की बात सुनकर अक्षय गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और लड़की आकर आयशा के बगल में बैठ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ। आपको पता नहीं है साहब, इतनी रात गए इधर निकलना सही नहीं है, यहाँ रात गए अपने शिकार की तलाश में छलावा घूमता है। कहते हैं जिसके ऊपर छलावा की नजर पड़ जाए फिर वो नजर बांध देता है, उसके बाद आप वही देखोगे जो वो आपको दिखाएगा। लेकिन तुम भाग क्यों रही थी, कौन था तुम्हारे पीछे? साहब मैं छलावा के पकड़ में आ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। लड़की अभी अपनी कहानी सुना ही रही थी कि सामने से कुछ लोग मशाल लेकर सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे सड़क घेर कर क्यों खड़े हो गए हैं, कौन है ये लोग? ओ शिट, हॉर्न बजा जल्दी। इन लोगों पर हॉर्न का कोई असर नहीं पड़ रहा यार, एक तक घुरे जा रहे हैं और अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हो रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या करूं, पतली सी सड़क है, अगर ये सामने से नहीं हटे तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, गाड़ी रोकते ही कहीं इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो। साहब ये आदमी नहीं है, आप बस गाड़ी मत रोकना, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उन पर गाड़ी चढ़ा दूं? नहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अक्षय की गाड़ी धीरे धीरे उस भीड़ के नजदीक पहुंच रही थी। भीड़ में खड़े लोगों के हाथों में जलती हुई मशाल और लाठी डंडे दिखाई पड़ रहे थे, इसके साथ ही उनके चेहरे पर गुस्सा भी साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही गाड़ी उस भीड़ के नजदीक पहुंचने को हुई, अचानक ही अक्षय को दाईं ओर एक मोड़ दिखाई दिया और उसने गाड़ी उधर ही घुमा दी। अब गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही आशा की नींद टूट जाती है। अरे यार ये लड़की कौन है और ये कहाँ आ गए हम लोग? यार आयशा हम अपनी आंखों से छलावा देखकर आ रहे हैं, बस लास्ट मोमेंट पर अक्षय ने इस रोड पर गाड़ी घुमा ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, मुझे तो अभी तक सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग अभी एग्जैक्टली है कहाँ कुछ पता है? आशा के इतना कहते ही अक्षय को सड़क पर एक बोर्ड दिखाई देता है। ये देख सामने बोर्ड पर लिखा है लोनावला 60 किलोमीटर, लो हम तो बस एक घंटे में लोनावला पहुंचने वाले हैं। लेकिन लोनावला पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना, इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो इतनी जल्दी वहां पहुंचा रहा है? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलना मत।